लगातार जो लोगों का गुस्सा है वो फूटता हुआ नजर आ रहा है और लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आप तक पहुंचाएंगे, ताजा सूरत हाल आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अगर हम बात करें पॉलिटिकल रिएक्शंस की तो राजौरी में दो हमलों की सियासी दलों ने कड़ी निंदा की है और भाजपा द्वारा ये कहा गया है कि दो समुदायों में रंजिश पैदा करने की ये साजिश रची गई है। विपक्षी दलों की बात करें तो उन्होंने सरकार के शांति बहाली के दावों का माखोल उड़ाया है। उनका कहना है कि जिस तरह से बार बार सरकार ये दावे करती है कि नॉर्मलसी है, नॉर्मलसी कहां पर है? टारगेट किलिंग्स जो देखने को मिली राजौरी में और इससे पहले अगर हम बात करें कश्मीरी पंडित की जो टारगेट किलिंग्स कश्मीर में देखने को मिली तो बार बार जो नॉर्मलसी के दावे किए जाते हैं वो कहां पर नजर आ रहे हैं। और वहीं पर ताज़ा तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह का सूरत हाल वहां पर बना हुआ है, क्योंकि शवों को जिस तरह से मुख्य चौक पर रखकर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको पॉलिटिकल रिएक्शन दिखा देते हैं। राजौरी में लोग बड़े सुख चैन से रह रहे थे और इस प्रकार की घटना होना, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसके अंजाम क्या हो सकता है इसके बारे में सोचना होगा। प्रशासन और सुरक्षा बल एक नई रणनीति बना करके इन लोगों को आइडेंटिफाई करें और आज जिस प्रकार से सुरक्षा ऑपरेशन चल रहा है मुझे उम्मीद है कि सुरक्षा बलों द्वारा उनको जल्दी ढूंढ करके मार गिराया जाएगा। और बॉर्डर से जिस प्रकार से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रेडिकलाइजेशन हो रही है, लोकल लोग भी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व ना हो, इन सभी चीज़ों को सुनिश्चित करने की जरूरत है। एक साजिश थी और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोकल लोग भी कहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं जिन्होंने इनको बताया कि ये हिंदुओं के घर हैं या मुस्लिम्स के घर हैं। जब तक इस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी द्वारा सर्च ऑपरेशन करने की जरूरत है, कौन से लोकल लोग इसमें इलाज एजेंसियाँ अपना काम करें और जल्दी से उनको ढूंढ निकालें। ये 1990 में जिस प्रकार से लाइन में खड़े करके हत्या की जाती थी हिंदुओं की, उसी तरह का एक मॉडल अपनाया गया है। आज राजौरी में इस ढंग से टारगेटिंग किलिंग का चलना, सिविलियन लोगों की हत्या का शिकार यहाँ पे लोगों को करना, मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है और हम मांग करते हैं कि पूरी तौर पे सिट ऐसी कमेटी उसका गठन किया जाए कि कहाँ से ये टेररिज्म, कहाँ से ये इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे, कहाँ से वो हथियारबंद वो लोग यहाँ पे पहुँचे जिन्होंने शरेआम इन इनोसेंट लोगों पे गोलियाँ चला के उनकी शहादत यहाँ पे की है। ये जाँच का विषय है और हम महसूस करते हैं कि अमित शाह जी अब चुप्पी यहाँ पे तोड़े और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के हालात के जो दावे यहाँ पे करते थे कि हर लिहाज से हालात बिल्कुल काबू में हैं, हमें अफसोस है कि इस ढंग की वारदात का यहाँ पे होना। मन्याटीज जो हैं वो भाजपा के दौर पे यहाँ पे सेफ दिखाई नहीं देती, जिस ढंग से जम्मू में जो कश्मीर बेस्ड एम्प्लॉज़ हैं, जम्मू बेस्ड एम्प्लॉज़ वो भी लगातार धरने पर, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वो चरमरा गई है। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत है। आप तो एक तरफ विपक्ष की सारी सिक्योरिटी विड्रा करते हो और दूसरी तरफ ऐसे हालात होने, तो कहाँ से लोगों के पास पहुँचने का जो साधन जो था, मैं समझता हूँ उसको सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत है कि कहीं पर दोबारा ऐसी वारदात ना हो पाए। पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया कराने में, खास करके पीर पंजाल कश्मीर संभाग और जहां पे चनाब वैली के अंदर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रही है, तो आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि जल्दी से जल्दी वहां पे उन एरिया की निशानदेही करके जहाँ पे ऊंचे पहाड़ों पर जो BDC जो पहले विलेज डिफेंस कमेटी के लोग जो अपॉइंट किए थे उनको हथियार दिए गए थे, आज उनसे हथियार इस सरकार ने वापस ले लिए, जिसकी वजह से लोग अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो लिहाजा वो BDC को भी बहाल किया जाए, जो विलेज डिफेंस कमेटीज थी उनको बहाल किया जाए और अल्पसंख्यकों को वहाँ पे और ख़ास करके पहाड़ी लोगों को, मैं अल्पसंख्यकों की बात नहीं करूँगा, सभी लोगों को जो टेररिज्म का मुकाबला कर रहे थे वहाँ पे उनको हथियार मुहैया कराए जाएँ जो उनसे वापस ले लिए गए हैं। यहाँ तक वहाँ पे जो इस समय जो खास करके तो जो जो टारगेट किलिंग हुई है उन परिवारों को मुआवजा, उचित मुआवजा और सबसे बड़ी बात मुआवजे से बाद उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि वहाँ से वो पलायन ना करें।
सुना क्या कुछ कहना था, आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन था, कांग्रेस का, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ था। उनका कहना था कि इंसानियत का कत्ल हुआ है और ये जांच का विषय है। और राजौरी की बात करें, फिलहाल ताजा तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे और ताजा तफसीलात आपको बताएंगे, क्योंकि वहां के लोगों का जो गुस्सा फूट रहा है राजौरी हम लोग के विरोध में, जो उबाल है वो देखने को मिल रहा है। और हिंदू संगठनों ने राजौरी बंद के दौरान जोरदार प्रदर्शन किया है। डीसी और एसएसपी के तबादले की जो मांग है वो वहां के लोग कर रहे हैं। और मिलिटेंट्स की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है और अभी भी लगातार प्रदर्शन जारी है। राजौरी हमलों के विरोध में प्रदर्शन वहां पर भी हो रहा है। साथ ही बात करें, जम्मू में भी प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। चलिए रुक करते हैं राजौरी का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक सुबह से ही वहां पर जिस तरह से कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं और ताजा तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जमशेद, बताइएगा फिलहाल का सूरत हाल। बिल्कुल, जिस तरह सुबह की सूरत हाल देखने को मिलती है, क्योंकि 10 बजे के आसपास एक जोर धमाका भी उसी घर में कुमार जो जो रात को टारगेट किया है, उस कुमार गिराया गया था। उसके बाद आज सुबह उसके घर के बाहर एक जोरदार धमाका होता है, आईडी लगाई गई थी जिसमें पहली हुई थी, जिसमें से एक बच्चे की उम्र तकरीबन 10 से 12 साल है, उसकी मौत हो चुकी है, 6 लोग इसमें अनेक गाय है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें सैनिक के आला अधिकारी के साथ साथ एडीजी भी मुकेश सिंह भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तरफ से भी ये चीज कही गई है कि जल्द इनको मार गिराया जाएगा, क्योंकि ये चीजें जो सामने आ रही, दो लोग थे इसमें, दो लोगों ने सारे लिए तुम्हें फायरिंग की है। इसके बाद हम जिस घर के अंदर फायरिंग हुई उस लेडीज जब हमने बात की तो उसमें यह क्या था कि उसके घर में दो लोग पहुंचे थे, जिन्होंने पहले बच्चों को और उनको एक कमरे के अंदर बंद किया, उसके बाद उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी है। इस वक्त हालात कहाँ की चीजें हैं, क्योंकि देर रात को जब ये सामने आया था इंसिडेंट जहाँ पे की तरफ से टारगेट किलिंग की गई थी, उस टारगेट किलिंग के बाद जहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा था, मगर सर्च ऑपरेशन में एक चीज देखने को मिली कि उसी घर के अंदर दीपक कुमार के घर के बाहर, बिल्कुल गेट के बाहर आईडी लगाई गई थी, उस आईडी को देखा नहीं गया था, जिसके कारण सुबह वहां जोरदार एक धमाका हुआ और कुछ पार्ट पर ही मौजूद थे, जहां दो धमाका हुआ, धमाके में भी लोग जख्मी हो रहे, एक उसमें भी मारा गया। उसके बाद बीजेपी स्टेट रविंद्र रैना भी यहाँ मौके पर पहुंचे हुए, उन्होंने इस घटना पर अफसोस का इजहार करते हुए कि अगर दूसरी तरफ हमले करें तो लोगों की तरफ से लगातार बेलवाड़ी सड़क पर रख के प्रोटेस्ट का सिलसिला भी लगातार भेज जा रही है। जिस तरह जख्मी लोगों की बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज इस तरह राजौरी आई पूरी तरह कम्प्लीट हो गया, क्योंकि कल ही बंद काम भेज दी गई थी। बंद काम के दौरान सबसे बड़ी घटना क्यों जो मान सकते हैं हम उनका यही है कि अगर आज सुबह कहाँ जब ब्लास्ट हुई, इसको एक बहुत बड़ी चूक मान सकते हैं, इसलिए इस इलाके को पूरी तरह सैनिटाइज नहीं किया गया था। इसका मतलब पूरी तरह सैनिटाइज किया गया था तो ये धमाका नहीं होता और इसमें और लोगों की मौत नहीं होती है। मगर जिस तरह ये धमाका हुआ उसके बाद दोबारा सैनिटाइज करने का सिलसिला आप देख रहे हैं, जिस तरह बम स्क्वाड जो है वो भी यहाँ पहुंचे, आप पूरी जांच कर रहे हैं, उसके बाद डॉज भी लाए गए, उनकी मदद की जा रही है, उनकी मदद की जा रही है। और ये कहा गया है कि वो मिलिटेंट इस इलाके में जिन्होंने ये फायरिंग इन लोगों को टारगेट किया और जल्द उनको ढूंढ निकाला जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी इस इलाके में जो आ रही है वो यही है कि इसके साथ लगने वाला पूरा इलाका जो जंगल है, इसके कारण बड़ी परेशानी हुई है। मगर अभी जो सेना से हमारी बात हुई उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि दोनों या तीनों तरफ से, चारों तरफ से हम कह सकते हैं कि सेना ने कुछ कर लिया इस इलाके में, इस इलाके से किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। फिर जी बिल्कुल। और आखिर में बताइएगा, पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, उनका भी कहना है कि जो कम्युनिटीज के बीच में फसाद पैदा करने की जो कोशिश की गई है, पर इसे हर कोई कंडेम कर रहा है, तो वो अमन और शांति भी कायम रहे उसके लिए भी वहां पर लोगों को ये समझ पा रहे हैं वो कि जो कोशिशें की जा रही हैं उस कोशिशों को अंजाम ना दिया जाए। प्रियंका बिल्कुल आ रहा है, राजौरी की जहां तक हम बात करें, राजौरी में 2002 में इस तरह का इंसिडेंट सामने आया था जहां सिविलियन किलिंग की गई, 2002 में ये सामने आया था जब सिविलियन किलिंग हुई, तो उसके बाद 20 साल के बाद दोबारा सिविलियन टारगेट किए गए। इससे पहले अगर बात करें तो पिछले 10 साल पहले ही इस इलाके को मिलिटेंसी फ्री करा दिया है, मगर पिछले 2 साल से राजौरी मिलिटेंसी दोबारा देखने को मिल रही है, जहां भाषा दुनिया के अंदर एक बड़ा इनकाउंटर होता है, उसके बाद थाना मंडी के अंदर इनकाउंटर होते हैं, उसके बाद उसी पर नशहरा की बात करें वहां इनकाउंटर देखने को
को मिले, तुम चाहे उसी प्रेम काउंटर देख रहे को मिले। मुझके पास सिविलियन टारगेट किलिंग जो है ये तकरीबन 20 साल के बाद है, क्योंकि 2000 में राजौरी के अंदर सिविलियन किलिंग हुई थी, बिल्कुल वैसा ही माहौल आज भी देखने को मिलता है, क्योंकि तब भी लोगों ने डेड बॉडी सड़कों पर रखकर प्रोटेस्ट किया था, और आज भी बिल्कुल ऐसे हालात है जहाँ इस बार 4 डेड बॉडी ढांगी चौक पर रखी और प्रोटेस्ट कर रहा, नहीं दूसरे धमाके में भी एक बच्चे की मौत हुई है। इस तरह मैं बैंकर के ये इलाका जो है इसको ढलाने के साथ साथ यहाँ के अमन भाईचारे को भी खराब करने की एक बड़ी साजिश हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये इलाके जो रहे हैं खास करके ढांगे इलाके, ये इलाके तीस इलाके रहे और ऐसे इलाके को टारगेट कर उस खास टारगेट देखने को मिली, और बिल्कुल इसके साथ अगर पूरा इलाका जो है घनी आबादी के साथ साथ पूरा इलाका जंगल के आरंग में, जिस तरह बता रहा हूँ कि वीरेंद्र रैना भी पहुंचे मौके पर, एडीजीपी मुकेश सिंह भी मौके पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो लोगों से बात कर रहे हैं, और जिस बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि ये साफ कर दिया गया इनकी तरफ से कि दो ही मिलिटेंट हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद ज्वाइन करने के लिए। तो जमशेद पल-पल की अपडेट जो है वो राजौरी से आप तक पहुंचा रहे हैं, और अगर बात करें राजौरी हमलों की तो आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शवों को रखकर किस तरह से लगातार प्रदर्शन जारी है, हालांकि मुआवजे का जो ऐलान है वो भी एलजी इंतजामिया द्वारा किया गया है, जिन लोगों की मौत हुई है उनको 10 लाख, उनकी फैमिलीज को 10-10 लाख का मुआवजा, और सरकारी नौकरी और घायलों को भी 1 लाख का मुआवजा का ऐलान एलजी इंतजामिया द्वारा किया गया है। अब राजौरी के हमलों के बाद जम्मू में किस तरह का माहौल है वो आपको बताएंगे, क्योंकि जम्मू में भी लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जो टारगेट किलिंग्स खत्म होने का दावा सरकार ने किया था उसे लेकर अब सरकार क्या कहेगी, और लोग काफी गुस्से में जम्मू में भी नजर आ रहे हैं। और इससे पहले हमने देखा कि कश्मीरी पंडितों की जो टारगेट किलिंग्स हुई उसे लेकर कश्मीरी पंडित कई देर से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम सेफ फील नहीं करते हैं, वो भी सड़कों पर उतरे हैं, और उनका सवाल है सरकार से कि सरकार जो दावे करती है कि टारगेट किलिंग खत्म करने में हम कामयाब हुए हैं, और अब सरकार क्या कहेगी जब एक बार फिर राजौरी में टारगेट किलिंग की गई है। तो राजौरी हमलों के विरोध में जहां राजौरी में प्रदर्शन हो रहा है शवों को रख के, हमने तस्वीरें आपको दिखाई, अब जम्मू से आपको बताएंगे कि किस तरह का माहौल यहां पर राजौरी हमलों के बाद बना हुआ है, क्योंकि राजौरी हमलों के विरोध में जम्मू में भी प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने सरकार से जवाब मांगा है और टारगेट किलिंग रोकने में नाकाम रहने का आरोप सरकार पर लगाया है। जम्मू में राजभवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, और तस्वीरें आप इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जम्मू के लोगों में भी कितना गुस्सा नजर आ रहा है। जम्मू के लोग भी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और टारगेट किलिंग रोकने में नाकाम सरकार रही है, ये उनका आरोप है। कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने भी सरकार से जवाब मांगा है, और इससे पहले भी वो कई बार जवाब मांग चुके हैं, और जब सरकार का ये कहना था कि हम नॉर्मलसी मेंटेन रखने में कामयाब हुए हैं, टारगेट किलिंग जब खत्म हो जाएंगी, अब उसका जो जवाब है सरकार से इन्होंने मांगा है। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ जम्मू से हमारी संवाददाता रितिका राजपूत ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, ग्राउंड पर किस तरह की सिचुएशन है जम्मू में बताइएगा। जी आपको बता देना चाहने का भी चिंता देने पर स्थिति जो है वो इस वक्त जम्मू की बनी हुई है, क्योंकि राजौरी में पिछले 12 घंटों में जो 2 आतंकी हमले हुए हैं उसी के विरोध में जम्मू की सड़कों पे हमें प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इसकी शुरुआत जम्मू में सुबह राजभवन के बाद कश्मीरी पंडितों के द्वारा की गई, और उन्होंने एलजी गो बैक के नारे जो है वो लगाए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो ऐसे मनोज सिन्हा के द्वारा दिए गए तमाम आश्वासन जो है वो झूठे साबित होते हैं, और टेबल टॉप जो है फेस टू फेस जो बातचीत होनी चाहिए उसके लिए एसजी मनोज सिन्हा निकल के बाहर नहीं आ रहे हैं, और एसजी मनोज सिन्हा के खिलाफ प्रदर्शन यहाँ पे जम्मू की सड़कों पे देखने को मिला। उसी के अलावा अगर मैं बात करूँ, शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से प्रदर्शन किया गया, और आपको बता दें कि बजरंग दल के द्वारा भी जम्मू की
सड़कों पे कुछ ही देर में प्रदर्शन होने वाला है। पाकिस्तान का झंडा तक फूंका गया और आतंकी संगठनों के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अब जिस तरह से सरकार, इनका कहना है, इनका आरोप है कि नॉर्मेलसी के जो दावे करती है कि टारगेट किलिंग्स नहीं होंगी, हम उसे रोकने में कामयाब हुए हैं, अब उसे लेकर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। तो कहां कहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं बताइएगा, और कश्मीरी पंडितों का जो पहले सवाल था, क्या आज भी वही सवाल वो सरकार से पूछ रहे हैं? जी, अगर दो दिन पहले की हम बात करें, डीजीपी के द्वारा जा रहा है परंतु नए साल पे आतंकी हमलों की आशंका पहले से थी। इससे जुड़ी हुई खबरें मीडिया भी लगातार दे रहा था, पर उसी पे एक बड़ा सवाल यही आ रहा है कि अगर पहले से आशंका थी तो सुरक्षा के इंतजाम में ऐसी बड़ी कमी देखने को क्यों मिली? एक तीन घरों को निशाना बनाया गया है, उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उन्हें फायरिंग की गई, उन्हें मौत के घाट उतारने का कार्य किया गया और उन्हें घरों में IED भी ब्लास्ट होती है। इसी प्रकार से सुरक्षा इंतजाम पर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं और पाकिस्तान और आतंकी संगठन और उन संगठनों को सपोर्ट करने वाले तमाम लोगों के खिलाफ गुस्सा जो है जम्मू में अलग अलग स्थानों से देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत जम्मू से जानकारी पहुंचा रही थी और बता रही थी कि किस तरह का माहौल जम्मू में देखने को मिल रहा है। और जम्मू की बात करें तो साफ तौर पर तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, और जिस तरह से रितिका ने बताया कि राजभवन के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है और LG गो बैक के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं डोडा का, और डोडा के मल्होरी इलाके से खबर सामने आ रही है कि वहां पर एक हादसा पेश आया है जिसमें बताया जा रहा है कि दो लोग घायल हैं और एक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। डोडा के मल्होरी इलाके में एक मालवाहक वाहन गिरा है और हादसे में जो गाड़ी है, गाड़ी में सवार जो दो लोग थे वो घायल हो चुके हैं, जिसमें से एक की हालत काफी क्रिटिकल बताई जा रही है और डोडा के GMC अस्पताल में दोनों घायलों को पहुंचाया गया है। डोडा के मल्होरी इलाके में मालवाहक वाहन गिरा और हादसे में जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है उसमें दो लोग घायल हो गए हैं और एक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। डोडा के GMC अस्पताल में उन दोनों घायलों को पहुंचाया गया है और एक की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। डोडा के मल्होरी इलाके में एक सड़क हादसा हुआ है। हालांकि जब से सर्दियों की शुरुआत हुई है तब से कई एक्सीडेंट्स की खबर सामने आई है, क्योंकि कोहरा भी देखने को मिलता है जिससे विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको मल्होरी इलाके से दिखा रहे हैं जहाँ पर एक हादसा पेश आया है जिसमें दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब हादसे का क्या कारण सामने आया है, जो घायल हैं उनकी किस तरह की स्थिति बनी है, कहां से वो ताल्लुक रखते हैं, कहां जा रहे थे, थोड़ी देर में हमारे संवाददाता वसीम ज्वाइन करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे सारी जानकारी इस हादसे के हवाले से। और डोडा का मल्होरी इलाका जहाँ पर यह हादसा पेश आया है जिसमें खाई में एक मालवाहक वाहन गिरा है और घायलों को फिलहाल GMC अस्पताल पहुँचाया गया है। तो वहीं पर अगर बात करें एक्सीडेंट्स की, तो लगातार एक्सीडेंट्स का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, विंटर्स पे खास तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि विंटर्स जब से शुरू हुए हैं धुंध के कारण भी कभी हादसे पेश आते हैं, विजिबिलिटी कम हो जाती है, कई बार कुछ कारण होता है, पर कोई ना कोई लापरवाही हादसे के पीछे ज़रूर होती है। इसलिए जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, वॉयलेट नहीं करना चाहिए। और अगर बात करें मल्होरी इलाके की, तो वहाँ पर जो हादसा पेश आया है दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं डोडा का, हमारे संवाददाता वसीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम बताइएगा इस हादसे के हवाले से और क्या जानकारी है। बिल्कुल प्रियंका, आपको बताना चाहेंगे साल का दूसरा दिन है और जनाब के अंदर जिस तरह से आपको बताया कि पिछले साल भी काफी सारे एक्सीडेंट हुए, आज सुबह सुबह की बात है, लगभग 5 बजे सुबह थे और 5 बजे के करीब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाई कि एक रंगी नाला के मकाम पे पटोल किश्तवाड़ नेशनल हाईवे जो है वहां पे एक लोड कैरियर का एक्सीडेंट हुआ जो पंजाब से डोडा की तरफ आ रहा था, मगर आधे रास्ते ही ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई। और बताना चाहेंगे आपको कि लगभग दो लोग इसमें सवार थे, आबिद हुसैन, और दूसरे का नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ क्योंकि वो गाड़ी में ही फंसा है सुबह, वहां पे से अभी तक वहां पे रेस्क्यू जारी है। अभी मेरी कुछ देर पहले जो पुलिस का महकमा वहां पे सुबह से ही रेस्क्यू कर रहा है या NGO के लोग वहां पे रेस्क्यू कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि काफी मशक्कत की जा रही है शख्स को बाहर निकालने की, मगर अभी तक उसको बाहर नहीं निकाला गया है।
जो एक शख्स यहाँ पे लाया गया था, तो उससे हमने बातचीत की, उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ से जो है जम्मू की तरफ शिफ्ट किया, उसको कुछ इंजरीज, इंटरनल इंजरीज आई है, उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट किया। और जिस तरह से उसकी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसने बताया कि लगभग पांच बजे से हम वहां पे फंसे हुए थे और मैं ऊपरी गिरा था और दूसरा शख्स जो है गाड़ी के अंदर फंसा हुआ है, तो उसको काफी मशक्कत के बाद जो है निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो आबिद हुसैन है, 27 साल उम्र बताई जा रही है कि 27 साल इसकी उम्र है और ये सुबह सुबह ही लगभग 5 बजे करीब एक्सीडेंट गाड़ी हादसे का शिकार रगी नाला के मकान पे। जी बिल्कुल, कुछ पता चल पाया है ये दोनों कहां से ताल्लुक रखते हैं, क्या नाम है? देखिए, बताया जाता है कि एक शख्स जो है, जो हमारा भद्रवा का इलाका है, वहां से एक शख्स भद्रवा का जो हमारा एक भाला का इलाका है वहां का रहने वाला है। पर कहीं ना कहीं हम ये भी बता सकते हैं, कहीं बार हम एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठाते हैं, हम देख रहे हैं कि आज क्रैश बैरिकेड्स पे भी काम अच्छा किया जा रहा है। अब ये होगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है, जिस तरह से पुलिस काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम ये बता सकते हैं कि किस कारण ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई। जी प्रियंका, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम ज्वाइन करने के लिए। वसीम डोडा से जिस तरह से हमारे साथ ज्वाइन किए थे और इस हादसे के हवाले से जानकारी दे रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक जो घायल है उनका ताल्लुक भद्रवा से है। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने राजौरी हमले की कड़ी निंदा की है और फेडरेशन ने इस हमले में मारे गए लोगों के परिवारों से सांत्वना जताते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के टीजी से आरोपियों को जल्द कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। फेडरेशन के प्रधान सुशील सुदन ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मांग की। जघन्य कांड की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और डायरेक्टर जनरल जो पुलिस हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो है इन कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए, जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो पार से आए हैं या इधर से हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जोरी में ये जो कांड हो रहे हैं, अभी पिछले दिनों भी इन्होंने एक रजौरी में एक कुछ लोगों को वहाँ पर देखा था जो वहाँ घूम रहे थे, वो भी नहीं मिले। फिर जो जंगलों में जो पाठादुड़ी में जंगल है वहाँ पर भी कुछ लोग देखे गए थे। इसको आइडेंटिफाई करके बाकायदा पूरा जो जंगल जो है घेर के उसके अंदर जाके उन लोगों को जल्दी से जल्दी मौत के घाट उतारा जाए, मेरी यही जो है ये आवाज़ है और मेरी यही लोगों से जो डीजी पुलिस है उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी उनका जो है खात्मा किया जाए। शाम को जम्मू के ब्लॉक बरवार के गांव शुआपाटा के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और लोगों के मुताबिक इस महंगाई के दौर में भी उन्हें पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, लेकिन सरकार का जल शक्ति विभाग इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि वो कई बार अपनी इस परेशानी को लेकर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी गाँव के पानी की सप्लाई सुचारू नहीं हो पाई। मेरा नाम वैष्णो देवी, इधर पानी नहीं है, कोई रिश्तेदार आंदा कोई पानी नहीं, कोई किश नहीं, देखो भांडे सारे खाली, 15 दिन का एक दिन पानी एक बार आंदा। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, कितनी मुश्किल रहती है, बड़ी परेशानी है, निके बच्चे स्कूल जाना होता पानी नहीं मिलता, तो नहीं लेने होने पानी, पानी दूरों आनने, हाँ जी हाँ जी दूरों आनने पानी, घड़े चुकी बाल्टी एक बाल्टी आनगे कि करना साफ, हाँ जी हाँ जी कोई गवर्नमेंट कोई गड्डी नहीं, कोई पैसे नहीं, असें गरीब लोग हां, कोई मुलाजम थोड़े अस, पानी की प्रॉब्लम है हमें, तो 2000 की गाड़ी मिलती है पानी की, पहले तो ड्राइवर मानता ही नहीं है कि पहाड़ी एरिया में हमें नहीं जाना है, अगर फिर भी उसको मजबूर करोगे तो 2000 से कम नहीं आती है कोई भी गाड़ी, तो सर पानी की परेशानियां, पानी नहीं पूरा कर सकते हैं कि पैसे से पानी लेके हम नहीं कर सकते अपना अपना गुजारा, सर पानी की ज़रूरत तो रहती है, फिलहाल पानी ही पानी है, पानी तो चाहिए है, क्या ठंड हो गर्मी हो पानी तो चाहिए सर, पानी की बहुत प्रॉब्लम है, हमें बहुत बार डिमांड कर चुके हैं कि पानी की, पानी की ये होना चाहिए सर, कोई पानी के। डॉक्टर सुदेश्वर कुमार ने सुरनकोट बीएमओ के रूप में कार्यभार संभालने के बाद बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात कही है। डॉक्टर सुदेश्वर कुमार ने बताया कि अस्पताल में मरीजों को हर तरह की स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और किसी भी मरीज को इलाज के लिए जम्मू या फिर राजौरी रेफर नहीं किया जाएगा। इस महीने में हमने 36 ऑपरेशन किए हैं
जिसमें 3 हमने सीजरिन सेक्शन किए हैं और 33 दूसरी सर्जरी की है जिसमें गॉल ब्लैडर आता है, अपेंडिक्स का आता है, हेमोराइड के ऑपरेशन आते हैं। तो मैं लोगों के बेहतरी के लिए चाहूंगा, उनको यही मैसेज देता हूं कि यहां पे आए और डॉक्टर साहब से पूरा ट्रीटमेंट लेके हम उनको अगर ऑपरेशन की जरूरत होगी हम इधर ही करेंगे, उनको आगे भेजने की कोशिश नहीं करेंगे, जितना भी हो सकेगा हम इधर उनका करेंगे। गोल्डन कार्ड पे फ्री ऑपरेशन भी होता है? हाँ जी बिल्कुल, गोल्डन कार्ड पे हम फ्री ऑपरेशन करते हैं, जिनके पास नहीं होता हम अब उनका इधर ही बनवा के तुरंत गोल्डन कार्ड बनवाते हैं और उसके बाद उसको ऑपरेट करते हैं विद आउट फी। हाँ हाँ अब इधर हम सर्जरीन भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम इधर ही उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, बाकी मैं अपील करता हूँ, मेरा नंबर बार लगा हुआ, आप कभी भी किसी टाइम भी मेरे को आप फोन करके मेरे से मशवरा ले सकते हो और कोई प्रॉब्लम है उसका देख सकते हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।